सोशल नेटवर्किंग दुनिया में नंबर वन पर आने वाला और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला प्लेटफॉर्म जिसको हम सब फेसबुक के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक सोशल मीडिया की दुनिया में चलने वाला नंबर वन एप्लीकेशन है और आज की वीडियो में हम इसी फेसबुक के बारे में ही डिटेल्स में जानने वाले हैं। दोस्तों आज हम फेसबुक के बारे में सारी कुछ डिटेल्स जानेंगे, किसने इसे बनाया था और कैसे बनाया था। तो दोस्तों मेरा नाम है मोहित और बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों फेसबुक एक ऐसा एप्लीकेशन बन चुका है जो आज मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एप्लीकेशन है, जिसको यूज करना बहुत ही इजी होता है और इसको यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर या फिर यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या फिर किसी भी जानने वालों को इजीली फाइंड कर लेता है और इजीली उनके साथ कनेक्शन रख सकता है, टॉक कर सकता है या फिर अपनी वीडियोस फोटोज अपलोड कर सकता है। इवन इसमें वो कई नए फ्रेंड्स बना लेते हैं। और फेसबुक को नॉर्मली यूज किस लिए किया जाता है? पिक्स अपलोड करने के लिए, वीडियोस या फिर मल्टीमीडिया से रिलेटेड कोई भी कंटेंट या फिर अपने थॉट्स को इसमें अपलोड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई कि फेसबुक क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर बात करें कि ये कैसे बना और आज ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया, तो फेसबुक को बनाया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मार्क जुकरबर्ग और उनके कुछ क्लासमेट्स एडुआर्डो सेवरिन, डस्टिन मास्कविट्ज और क्रिस ह्यूज ने, जो कि एक वेबसाइट की तरह बनाया गया था और आज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है। दोस्तों फेसबुक की शुरुआत से पहले मार्क जुकरबर्ग जब वो कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक वेबसाइट के लिए एक सॉफ्टवेयर लिखा था जिसका नाम था फेसमैस, जो कि 28 अक्टूबर 2003 को इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें मार्क ने अपनी कंप्यूटर साइंस की स्किल का यूज करके उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की आईडी और उनकी इमेजेस को कॉपी करके उस वेबसाइट में अपलोड किया था और इसको उन्होंने पॉपुलर करने के लिए ही ऐसा किया था, जिसमें कि इसके यूजर्स क्या कर सकते थे कि वो बाकी के स्टूडेंट्स के आईडी और उनकी फोटो साइड बाय साइड लगे होने की वजह से उनमें कंपैरिजन करते थे कि कौन कितना हॉट है और कौन नहीं। बट कुछ टाइम बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ये वेबसाइट बंद करा दी गई, क्योंकि इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पर इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मार्क ने 4 फरवरी 2004 को एक नई वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम रखा इन्होंने द फेसबुक। कॉलेज नेटवर्किंग के लिए स्टार्ट के बाद ये वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर होने लगी और इंटरेस्टिंग होने लगी और कुछ ही महीनों बाद ये पूरे यूरोप में बहुत अच्छी तरीके से पहचाना जाने लगा और अगस्त 2005 में इसका नाम द फेसबुक से हटाकर इसका नाम ओनली फेसबुक रख दिया गया। सितंबर 2006 में फेसबुक ने अनाउंस कर दिया कि एटलीस्ट 13 ईयर्स ओल्ड पर्सन और जिसके पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस हो वो इसे ज्वाइन कर सकता है और 2009 में ही ये वर्ल्ड मोस्ट यूज्ड सोशल नेटवर्किंग सर्विस बन गया और आज के टाइम पर ये नंबर वन पर आने वाला सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगर बात करें कि फेसबुक की तरह यूज किए जाने वाले इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप जैसे अदर एप्लीकेशंस जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हो, वो सारे भी मार्क जुकरबर्ग की कंपनी के ही सारे एप्लीकेशंस हैं। दोस्तों अगर बात करें पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम भी एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसको इसके यूजर्स रील्स बनाने, फोटोज अपलोड करने, वीडियो अपलोड करने और अपने फॉलोवर्स इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, जिसको कि लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2010 को। इसको बनाया था केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रिगर ने। केविन सिस्ट्रोम जो इसके को-फाउंडर हैं, अब इन्होंने इसकी कंपनी को छोड़ दिया है, जिन्होंने 8 साल तक इस पे एज अ सीईओ वर्क किया था, सर्विस दी थी और उन्होंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट पे वर्क करना था। दोस्तों अगर बात करें कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को कितने में खरीदा, मार्क जुकरबर्ग ने 2012 में 100 करोड़ डॉलर में, अगर बात करें इंडियन करेंसी की, तो 7200 करोड़ रुपए में इसको खरीदा था और आज ये मार्क जुकरबर्ग की कंपनी का एक हिस्सा है। दोस्तों अगर बात करें दूसरे प्लेटफॉर्म की जो कि बहुत ही यूज किया जाता है, जिसका नाम है व्हाट्सएप, जिसको मोस्टली सारे लोग जानते हैं और ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है, जिसको 2009 में जैन कुम और ब्रायन एक्टन ने बनाया था, जिसको मार्क जुकरबर्ग ने 2014 में 1,18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। दोस्तों मार्क जुकरबर्ग इन सारे एप्लीकेशंस को एक ही कंपनी के नाम से चलाते हैं, जिसका नाम पहले फेसबुक इंक था और अब उन्होंने इसका नाम मेटा कर दिया है
और ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जुकरबर्ग का कहना है कि वो सोशल नेटवर्किंग में अपनी साइट्स के हेल्प से एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं और वो यूजर्स के बीच एक 3D कनेक्शन बनवाना चाहते हैं। दोस्तों अगर मेटा की बात करें तो मेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब आगे, तो इसलिए उन्होंने मेटा नाम अपनी कंपनी के लिए चूज किया है। दोस्तों जुकरबर्ग का कहना ये भी है कि अगर उनके सारे के सारे यूजर्स इन सारी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, इनकी सर्विसेज का यूज करते हैं, तो उन बाकी सर्विसेज को यूज करने के लिए उनको सिर्फ फेसबुक नाम लेने की जरूरत नहीं है और ये सारे के सारे उन्हें प्लेटफॉर्म एक कंपनी जिसका नाम है मेटा उस पर अवेलेबल मिलते हैं। और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से मेटा 28 अक्टूबर 2021 में ही किया है। दोस्तों ये वीडियो थी फेसबुक के बारे में और मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने इसे बनाया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फेसबुक के बारे में एक अच्छी जानकारी पता चली होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।